28 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया जाएगा। बजट से बिहार के सभी नागरिकों को उम्मीद है कि बजट से सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको अन्नदाता कहे जाते हैं किसान, उन किसानों की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब है। खास करके बिहार के अधिकांश ज़िले कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ के चपेट में आ जाते हैं, जिससे उनकी पूरी पूंजी बर्बाद हो जाती है। इस मामले को लेकर के हम दियारा के क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि काफ़ी देख सकते हैं कि सरसों के फूल लगे हुए हैं, खिले हुए हैं और गेहूं का भी फसल लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ किसानों से हम बात करेंगे कि बजट आने वाला है, बजट से उनको क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं बजट से आप लोग? उम्मीद तो कोनो नहीं है, उम्मीद ये बा कि कुछ बाढ़ खा जाता, कुछ सुखाड़ खा जाता, कुछ जो बच जाता था कुछ जानवर खा जाता रहे, नील गाय घोपड़ा वगैरह सब खा जाता रहे, सब खेती बाड़ी में एकदम सब बहुत गजन हो गए बा सर। कहाँ उचित मिल मूल्य तो आवेला, ऊपर से लेके साहेब लोग खा जाता लो, हमने के एगो फूटी कौड़ी नहीं खा मिलल, बहुत गजन हो गए बा हमने के। सरकार से उम्मीद बाबे हुए कि पेपर में आ जाला चाहे कुछ आ जाला कि हाँ इतना जाता किसान भाई खातिर, किसान भाई हाथ पर हाथ रखले रह जाता लोग, उम्मीद कर जाता कि आज आएल कल आएल तले बीचे में सब रुपया खत्म हो जाता। सरकार किस तरह की राहत देने की तैयारी कर रही है और उनको किसानों को कितनी राहत मिलने वाली है? निश्चित तौर पे किसानों का साफ तौर पे कहना है कि आज के ज़माने में अब खेती से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पूंजी तो लगाया जा रहा है लेकिन पूंजी निकलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में सरकार किसानों के हित के लिए कदम उठाए जिससे कि किसान की फसल और किसान का भरपाई पूरा हो सके, अन्यथा किसान दिन प्रतिदिन नीचे गटर की तरफ जा रहे हैं। एक सेकंड उसी पर रखना तुम। निश्चित तौर पे किसानों का यह भी कहना है कि सरकार अगर किसानों के हित में कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में एक बड़ी त्रासदी खड़ा हो सकता है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना। भैया क्या है? हम ये किसान बनी सुन, हर साल खेती करते नहीं सुन, कभी सुखार होता कभी दहार होता, सरकार से कोई लाभ नहीं मिलत, सरकार किसान के बारे में सोचे कि सरकार का करी, कभी सुखार कभी दहार, किसान के पैदा नहीं हो कुछ। खेती में फायदा हो रहा है? खेती में कोई फायदा नहीं हो रहा है, खेती हम लोग करते हैं मगर कभी दह जाता है कभी सूख जाता है। अभी देखिए अभी रबी हम लोग रोपे हैं, रबी से कोई लगता है कि हम लोग रबी नहीं काट पाएंगे, सब रबी अभी मार्च फरवरी लास्ट चल रहा है, उसमें हम अभी रबी खेते में है, नीचे एकदम दबा हुआ है। तो कल सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह सरकार हम लोग के बारे में सोचे कि किसान का क्या होगा, किसान कि कोई फायदा होगा तभी तो खेती करेगा। राहत तो देती है मगर मिलता कहाँ है राहत, किसान को राहत मिलता कहाँ है? क्या कुछ परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है, मान लीजिए कि सब लागू करता है सरकार लेकिन कुछ मिलता नहीं है, सब दूसरे को ही जो जो बड़े आदमी हैं उन्हीं को मिलता है, किसान को मिलता कहाँ है? तो क्या लगता है कि बजट जो आने वाला है बजट से कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रहा है? तो ये सरकार ही बताएगी कि बजट में कैसे क्या आएगा और क्या देगी, ये तो सरकार बताएगी। निश्चित तौर पे किसानों का साफ तौर पे कहना है कि आज के ज़माने में अब खेती से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, पूंजी तो लगाया जा रहा है लेकिन पूंजी निकलेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में सरकार किसानों के हित के लिए कदम उठाए जिससे कि किसान की फसल और किसान का भरपाई पूरा हो सके। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।